Assalamu alaikum guys, this is Suhail Aman and you are watching Education Degree Online. And you can also watch me on Shaheen Educational Club, which is my second channel on YouTube. So, today I am going to talk about radian. Radian ka jo hamare paas lafz aaya hai, wo basically aaya hai radius ke through. ठीक है, तो अब radius क्या है? सबसे पहले तो ये बात करते हैं. आपने एक circle लिया, ठीक है, सर्कल के सेंटर में आपने सेंटर से स्टार्ट किया और उसके किसी कोने तक, किसी एज तक, ठीक है, किसी सर जो है वो एंड तक आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी. सेंटर से लेके उसके किसी भी एज तक आपने एक लाइन ड्रॉ की. उस लाइन को, सेंटर के उस सेंटर पॉइंट को, जो एक सेंट्रल आपने लाइन ड्रॉ की है, उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं. अब जो मेन क्वेश्चन हमारे पास आता है वो ये कि एंगल्स को हम रेडियन में क्यों नापते हैं? डिग्री भी तो है, मतलब आसान भाषा में हम जो है वो डिग्री देते हैं कि 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है, बट स्टिल हम जो है वो इसकी डिग्री की जगह पे रेडियन क्यों यूज कर रहे हैं? वो इसलिए मेरे भाई, जिस तरीके से हमारे पास बिजली के बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और उसके छोटे यूनिट्स भी होते हैं, हम कहें कि भाई बिजली को वाट में भी तो नापा जा सकता है, लेकिन न्यूज चैनल पे हमें वो कहते हैं कि किलो वाट, मेगा वाट, पाकिस्तान ने आज जो है वो इतने मेगावाट डाउन कर दिया, इतने किलोवाट अप कर दिया, ठीक है, ताकि एक बहुत बड़े अमाउंट को हम सिंगल वर्ड में कन्वर्ट करके आसानी अपना डेटा ट्रांसफर कर दें, अपनी बात जो है कन्वेंस कर दें. सिमिलरली जो सेकंड पे हमारे पास इसकी एग्जांपल आती है, जिस तरीके से बहुत सारे केजीज हैं, फॉर एग्जांपल 2000 केजीज की हमारी एक शिपमेंट है, ठीक है, जो चाइना से पाकिस्तान में आ रही है एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जी 2 टन है, 2 टन उसका वेट है, सिंपली हमने कहा 2 टन है, नथिंग, आसानी से हमने अपने जो है वो आगे कन्वेंस कर दिया, ठीक है. तो अब जो इसकी थर्ड एग्जांपल हमारे पास वो मोस्ट कॉमन है कि हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो नापी जाती है बिट्स के अंदर, ठीक है, बिट्स और बाइट के अंदर, जो उसकी बेसिक्स हैं, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मली हम बात करते हैं जीबीज में, एमबीज में, टीबीज में, ठीक है, टेराबाइट, गीगाबाइट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि अगर हम बाइट्स की सूरत में नापेंगे तो थाउजेंड्स एंड करोड़ ऑफ क्या कहते हैं बाइट्स की फॉर्म में हमारे पास डेटा आएगा, ठीक है. अब हमने जो है वो 1 टेराबाइट जो है वो हमें चाहिए, ठीक है, उसकी हार्ड डिस्क चाहिए या रैम चाहिए, ठीक है, या वट एवर जो भी चाहिए, तो अब दुकान वाले को जाकर हम सिंपली बोलते हैं यार एक 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क देना, वो आपको निकाल के आप चुप करके बाय कर लेना. लेकिन अगर आप यही जाकर उसको इतने ज्यादा लैक्स ऑफ बिट्स की फॉर्म में कहोगे, हाँ जी मुझे 1 लाख बिट की जो है वो, या 1 करोड़ बिट की मुझे हार्ड ड्राइव दो, तो वो भी बेचारा जो है वो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि ये बोल क्या रहा है, ठीक है. तो एक बड़े पैमाने को बासानी छोटे पैमाने में, मतलब छोटे लफ्जों में कन्वर्ट करके बात कमेंस कर दी जाती है ताकि आंसर शॉर्ट एंड स्मार्ट आ सके. तो ये एक मेन रीजन है डिग्री से रेडियन में आने की. अदरवाइज आप डिग्री को भी यूज कर सकते हो बाय द फॉर्मूला. ये तो हमने डिस्कवर कर लिया कि हम रेडियन यूज क्यों करते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ पे अब फिर एक और क्वेश्चन उठता है कि भाई वन जो हमारा एक सर्कल है, ठीक है, वो कितने रेडियन के ऊपर जो है वो लाई करता है, ठीक है. तो हमारा जो एक सर्कल होता है कंप्लीट सर्कल, उसमें होते हैं 2π रेडियन, ठीक है. पाए की वैल्यू हमारे पास दो तरह से देखी जाती है. एक पाए होता है 180 डिग्री, दूसरा पाए होता है 3.14. ये कॉन्स्टेंट नंबर है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है. सो जब आप 2π को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो एक सेंस में देखा जाए तो 360 डिग्रीज बनता है, दूसरे सेंस में देखा जाए तो ये हमारे पास बनता है 6.28 रेडियंस, ठीक है. तो 6.28 रेडियन एक कंप्लीट सर्कल के अंदर मौजूद होता है. अब थोड़ी सी बात करते हैं रेडियन के बारे में, यानी कि बेसिकली उसके डेफिनेशन वाइज जो है वो क्या है कि जब आपका जो रेडियस है, जो आपकी आर्क लेंथ है, ठीक है, वो आपके रेडियस के बराबर हो जाए. आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, आपने एक रेडियस उसमें से निकाला, ठीक है, आपने उसके बाद क्या किया कि जी एक उसके साइड पे उसी रेडियस को वर्टिकली खड़ा कर देता है सर्कल के बाहर, ठीक है. अब वो जो लाइन आपने खड़ी की, ठीक है, उसको आपने क्या किया, कर्व कर दिया, ठीक है. बेसिकली इसकी लेंथ वो ही रही जो रेडियस की थी,
जब खड़ा किया तब भी वो रेडियस ही था, जब उसके साथ कर्व करके सर्कल के साथ मैच कर दिया तब भी उसकी लेंथ सेम रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया। फिर आपने क्या किया, जहाँ पे वो आर्क आपकी जो वो आपका कर्व था वो खत्म हुआ, वहां से लेके आपने सेंटर पॉइंट तक आपने उसका एक पॉइंट बना दिया, सेंटर में एक एंगल लगा दिया विच इज नोन एज थीटा। तो ये बेसिकली हमारा एक रेडियन था, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि एक रेडियन कितने के बराबर होता है, यानी कितने डिग्रीज के बराबर होता है, तो वो हमारा होता है 57.29 डिग्रीज के। तो इसका जो नॉर्मली कॉमन जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है कि थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। यानी कि थीटा हमारा जो है वो बराबर है जो आर्क ऑफ द लेंथ है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है हमारा जो रेडियस है उससे, तो हमें वो एंगल मिल जाएगा, ठीक है। और इन द फॉर्म ऑफ रेडियन अगर आपको चाहिए तो फिर डिग्रीज और रेडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई। सो दैट्स इट एंड दिस इज इनफ फॉर टुडे। आई होप यू रियली एंजॉय माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स। सो लाफ इज थैंक यू, हैव अ नाइस डे।